please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मालदीव में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच विवाद बड़े राजनीतिक संकट के रूप में बदल गया। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने मालदीव में आपातकाल 15 दिनों के लिए लगा दिया। साथ ही सभी मूलभूत अधिकारों को भी रद्द कर दिया। सेना को भी अतिरिक्त ताकत दे दी गई, जिसके बाद सेना ने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सेना ने संसद को चारों तरफ से घेर कर सील कर दिया। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत ने मालदीव में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता प्रकट की और अपने नागरिकों से अगली सूचना तक हिंद महासागर के इस देश की सभी गैर जरूरी यात्रा टालने को कहा। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक देवेंद्र राणा और बीजेपी विधायक रविंद्र रैना बहस करते दिखाई दिए। राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए चार जवानों को लेकर जम्मू से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर विधानसभा से हुई, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर हमला बोला। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक और बीजेपी विधायक में बहस हो गई। सरकार हमें ये तो बताए कि आप करना क्या चाहते हैं, करेंगे क्या? सिर्फ नारे देने से नहीं होगा। विपक्ष के हमलों के बीच सरकार में सहयोगी बीजेपी के ही विधायक रविंद्र रैना ने विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की। हालांकि हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, लेकिन जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पर सरकार से बयान की मांग की। जम्मू से शुरू हुई सियासत की आग दिल्ली पहुंचने में भी देर नहीं लगी, और यहां भी एनडीए में सहयोगी शिवसेना ने सवालों के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। हमारे जवान मारे जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा, हम तालियां बजाएंगे? अपनों के हमलों से घिरी सरकार को विपक्ष ने भी घेरने में देर नहीं लगाई और सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। अपना रवैया पाकिस्तान के खिलाफ क्या रहेगा, कोई भी अब तक इसके बारे में मुंह नहीं खोला। गृह मंत्री जी रोज चेतावनी देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर रोज चेतावनी देते, पाकिस्तान रोज हमारे सैनिकों को मार रहा, आखिर कब तक शहादत होती रहे? विपक्ष के हमलों का जवाब सरकार के मंत्रियों ने भी दिया, और तमाम आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार का बचाव किया। केंद्रीय मंत्रियों ने जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया और पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। पाकिस्तान की मूर्खता साबित होगी, ये उन्हें महंगा गिरेगा। भारत की सेना इन्हें वो सबक सिखाएगी, ऐसी हरकत करने से बाज आएंगे। सरकार भले ही पाकिस्तान को सबक सिखाने का दावा करे, लेकिन बीजेपी के अंदर से ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि युद्ध का तैयारी करो, पाकिस्तान का चार टुकड़ा करो। इस बीच पाटीदार आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल ने भी ट्वीट के जरिए पीएम पर निशाना साधा और लिखा कि देश का जवान शहीद हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बहुत सारी फरियाद है, लेकिन हर एक फरियाद का गुनहगार साहब का भक्त है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में लूटपाट कर भाग रहे दो बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि दो बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। सोमवार देर शाम आरओ कंपनी के कर्मचारी बताकर चार बदमाश एक घर में घुसे। बदमाशों ने दो महिला और एक बच्चे को बंधक बनाया, नकद लूटे, गहने लूटे और फरार हो गए। महिला के स्टोर मचाने पर लोग वहां जमा हुए, बदमाशों को दबोच लिया और उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट के कुछ सामान भी बरामद किए। मैंने उसको 200 रुपया दिया है, वो डोसा लेने गया है, गेट नीचे खुला छोड़ गया। दो जने आए हैं, उन्होंने मेरे को पहले भालों से घेरा नीचे और उसके ऊपर मेरे से इधर टप करके और उन्होंने अलमारी खोल के सारा सामान उठा कर ले लिया।